लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे हाथ में हिंदी पेपर है, हिंदी भाषा के पेपर है और हम रजनीश सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम बात करेंगे हिंदी भाषा का कितना टफ था और इसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए, आप अपने इस क्वेश्चन सर जो बताएंगे आंसर, उस आंसर से आप अपने जो क्वेश्चन लाए होंगे उसमें मिला सकते हैं कि आपने कितना मार्क्स लाया, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप पास कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं। नंबर एक। दूसरा नंबर है कि आप अगर आपको लगे क्वेश्चन गड़बड़ है या कुछ है तो आप आयोग के पास कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए सर, हम लोग हिंदी भाषा पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे हाथ में जो पेपर है वो 11th 12th का पेपर है हिंदी भाषा का। पहले बता दूं कि 11th 12th क्लास की जो कल 15 तारीख का जो पेपर हुआ उसका भाषा का प्रश्न मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं अभी हिंदी का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हिंदी का पेपर कैसा था। हिंदी का पेपर मुझे लगता है कि 6 to 8, 9, 10 और जो प्राइमरी में पूछा गया उसकी तुलना में थोड़ा आसान पेपर है। थोड़ा आसान हिंदी का पेपर थोड़ा 10+2 में आसान पूछा गया है जो मुझे लगा। अगर वर्तनी का शुद्धि या शुद्धि जिनका ठीक होगा तो 3-4 क्वेश्चन तो वहीं से आया है, शब्द से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्तनी शुद्धि अशुद्धि। अगर शब्द का चैप्टर क्लियर होता तो उतने से 5-7 सवाल हो जाने थे। तो पेपर मुझे लगता है 6 to 8, 9, 10 प्राइमरी की तुलना में आसान आया है। आसान नहीं है, मॉडरेट पेपर है लेकिन थोड़ा आसान। तो इसलिए भाषा को लेकर 11th 12th में दिक्कत नहीं है। 11th 12th में मैंने बताया था आपको कि सिर्फ जो पेपर हुआ है GS का वो पेपर थोड़ा मॉडरेट है और जो सब्जेक्ट का पेपर हुआ है वो टफ है। अब मैंने कट ऑफ भी आपको बताया था, तो बिल्कुल एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर क्या है तेजी से। 9 नंबर प्रश्न मेरे पास है, जो भाषा जहाँ से शुरू है, हिंदी भाषा शुरू है, चांदी शब्द का कौन सी संज्ञा है? तो चांदी एक नाप तोल में इस्तेमाल होता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होना चाहिए इसका आंसर। दूसरा ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसका आंसर होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है? हस्ताक्षर, छाया, आंसू। तो आंसू और छाया ये बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं, तो हस्ताक्षर इसमें एक वचन में आंसर होगा। हिंदी शब्दकोश में छ, संयुक्त छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ह के बाद छ आता है, ह के बाद छ आता है, तो ह इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं, त्र है, ज्ञ है, क है, तो ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ई इसका आंसर हो जाएगा, ई। जिनकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जिनकी, जिसकी, उसकी, ते संबंध बताता है एक दूसरे से, तो संबंधवाचक इसका आंसर होगा। ऑप्शन में निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, इसका आंसर होगा संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, विशेषण का मुख्य भेद कौन सा है, कौन सा नहीं है? इसमें से विशेषण का मुख्य भेद कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है असर्वनामिक, गुणवाचक, परिणामवाचक। तो गुणवाचक, परिणामवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, सर्वनामिक विशेषण है तो होता ही है, असर्वनामिक विशेषण कोई भेद नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा असर्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? चार शब्द दिया है, विभत्स, लगान, आगामी। तो इसमें विभत्स भी सही लिखा है, लगान भी सही लिखा, आगामी भी सही लिखा, तीनों सही है। कौन सही नहीं है लिखा है, अशुद्ध कौन है? तो कोई अशुद्ध नहीं, जिनमें से कोई नहीं, इसका आंसर ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध कौन लिखा गया है? क्षत्रिय, क्षत्रिय, उज्ज्वल। तो क्षत्रिय जो होता है वो कौन शुद्ध पूछ रहा है? तो हर दीर्घ नहीं होता, ये ह्रस्व होता है, तो ह्रस्व वाला क्षत्रिय सही है, तो ये आंसर इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम का मतलब संस्कृत का वह शब्द जो सीधे हिंदी में यूज हो, तत्सम शब्द कहलाता है। तो घर, तद्भव देखने से ही लग रहा है, छेद, ये भी स्नेह जो है वो तत्सम शब्द है, स्नेह इसका आंसर होगा। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न है हिंदी का, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग, ये कंप्यूटर का सवाल हालांकि है, जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कर्सर, कर्सर ट्रायंगुलर होता है इसलिए वर्ग, वर्ग फॉर्म में नहीं होता कर्सर, इसीलिए मैं इसको हटा दिया। चिप, चिप स्क्रीन पर कहाँ दिखता है? तो ये तो ऐसे ही गया। कमांड हो सकता है मेरे हिसाब से, कमांड या जो आइकॉन्स होता है, आइकॉन जो होता है जैसे विंडो है, विंडो का जैसे मान लीजिए कि गूगल का है या जो भी सामने दिया है आइकॉन, उसी को हम लोग कमांड बोलते हैं, इसलिए आंसर इसका कमांड होना चाहिए। बाकी अगर आयोग नहीं मानता तीन में से कोई नहीं होगा, तो इसका मैं थोड़ा समय बताऊंगा कि डी, सी और ई में से दोनों आंसर हो सकता है। कुरुक्षेत्र, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर का, पर ऑप्शन में हरिऔध है, श्रीधर पाठक है, मैथिली सरगुप्त है, लेकिन तीनों में से कोई दिनकर नहीं आया है, जैसे इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा ई। जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे, दुलरावे, मलरावे, जो ही कसुई कछुगावे, राधा और कृष्ण, एक प्रसंग है, माया सोदा जब भगवान कृष्ण पलने में है तो उस समय की बात था कि एक माँ कैसे अपने बच्चे को पालना में लेकर के कुछ भी गाती है, बच्चे को खिलाने के लिए, वो गाना कोई औचित्य नहीं है, बस कुछ भी गाने लगती है।
तो ये माँ यशोदा अपने कृष्ण को झुला रही है पलना में, उसका दृश्य है। तो कोई भी ऐसा दुलार प्यार रस नहीं आता है तो श्रृंगार रस होता है वो, जिसका आंसर होगा श्रृंगार रस। ऑप्शन में श्रृंगार वीर और वत्सल रस है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? श्रृंगार रस। हिंदी भाषा का उद्भव किस काल में माना जाता है? ऑप्शन है 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी, 1000 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा 500 ईसा पूर्व, सॉरी इसका आंसर होगा 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी के आसपास पुरानी हिंदी की शुरुआत हो जाती है, इसका आंसर 1000 ईस्वी होगा। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चित, स्वाभिमानी, इस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धीरोदात कहा जाता है, धीरोदात कहा जाता है। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, हवा पानी का प्रभाव ना पड़ता है, जिस आदमी पर हवा पानी का बयार का कोई प्रभाव ना पड़े वो आदमी को क्या बोलते हैं? निरोगी आदमी। विकार माने रोग, विकारी आदमी। जिस पर प्रभाव ना पड़े अभिकारी। तो ऐसा शब्द भी होता है जिस पर लिंग वचन पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे और है, एक शब्द और आता है ना, उसका स्त्रीलिंग बनाइए। और का स्त्रीलिंग हो सकता है क्या? पुलिंग हो सकता है क्या? बहुवचन हो सकता है क्या? तो भैया जो लिंग वचन का कोई का प्रभाव ना पड़े जिस शब्द पर, उसको अभिकारी शब्द बोलते हैं। जैसे संज्ञा स्वनाम विशेषण और क्रिया, यह विकारी शब्द। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, इसको बोलते हैं अभिकारी। तो अभिकारी शब्द जिस पर कोई प्रभाव न पड़े, इसका आंसर अभिकारी होगा। इधर है कुछ क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? बाघ, परीक्षा, चाय। तो चाय शब्द विदेश से आया है। रचना के आधार पर जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो, तोड़ने पर उसका जो खंड आए उसका कोई मतलब न निकले, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन रूढ़ है, यौगिक, योग रूढ़ है, तो आंसर होगा रूढ़ शब्द। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म का कोई गुंजाइश ना हो, बिना कर्म के भी काम चले, जिसमें दो दो वाक्य मुझे लग रहा है उसे मत लजाओ, बालिका लजाती है। ये दोनों ही क्रिया, लजाना जो शब्द है ना वो अकर्मक क्रिया है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, डी आंसर इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, मतलब हमारे भारत में ही उत्पन्न हुआ है, हिंदी में उत्पन्न हुआ है? तो भैया इसमें आवारा शब्द भी है, तो आवारा भारत का शब्द नहीं है, भौरा भी नहीं है, परवल, परवल शब्द जो है वो देशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? लकड़ी, जलधारा, महर्षि भी मैंने बताया कि ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर उसका तोड़ने वाला जो शब्द निकला उसका अर्थ ना निकले। तो लकड़ी शब्द जो है उसका तोड़िएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। खारिज शब्द किस भाषा का है? खारिज तो अरबी भाषा का शब्द। ऑप्शन में अरबी, फारसी, तुर्की तीनों है, पर ऑप्शन होगा इसका आंसर होगा खारिज शब्द अरबी भाषा का है। अशुद्ध शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? मैंने अशुद्ध दिया है, अशुद्ध किया है, जैसे कोम लांगनी है, कोमलांगी है, शुश्रूषा है, शुश्रूषा है, और महात्म है, महात्म है, अमहात्म है, तो ये सही है, ये इसका सही है। उसका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य में उज्जवल शब्द, उज्जवल में दोनों जो होता है छोटा, मतलब कि पूरा पूरा जो नहीं होता, तो ये वाला ये सही है इसका। बस यही हिंदी का पेपर था सर, 24 टोटल 30 हो गया सर, इधर थोड़ा सा टोटल 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, और मुझे विश्वास है कि आप लोग मिला लिए होंगे। आयोग का भी आंसर किया है, उससे भी मिलाए होंगे। कुछ प्रश्न में ये लगता है कि रजनीश सर ने बताया है, आयोग ने उससे अलग उत्तर दिया है, तो आयोग खुद ही दिया है अपने साइट पे जाकर के, कि आप इस फॉर्मेट में जाकर जहां से आपको लगता है कि आप आंसर सही बोल रहे हैं, आयोग का गलती है, तो आप प्रूफ के साथ, अप्रूफ मतलब कहीं गाइड का प्रूफ नहीं लेगा आयोग, NCERT का प्रूफ है तो दीजिए सरकारी प्रूफ, वरना और कोई प्रूफ माना नहीं जाएगा। तो प्रूफ इकट्ठा कीजिए, प्रूफ, पेज नंबर, पैराग्राफ का नंबर, पैराग्राफ पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर, और किताब का नाम, NCERT क्लास का नाम के साथ आप कंप्लेन करें, निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। तो यही है सर, विचार किया जाएगा, हो गया? हाँ बिल्कुल। तो आपने सुना रजनीश सर को, अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कि कमेंट में लिख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में देकर के सजेशन दे सकते हैं। मैं शंभु कुमार कर्मा जयस राजेश के साथ पटनागर में, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।